नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अपना पैन कार्ड आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करके NSDL के माध्यम से बनवाया है और आपके घर में दोस्तों यहां पे जो पैन कार्ड आया है उसमें सिग्नेचर यहां पे देखिए नहीं है, बाकी सब कुछ मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर पैन नंबर दिया गया है, यहाँ पर QR कोड दिया गया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है। अब दोस्तों आप काफ़ी घबरा रहे हैं क्योंकि अब ये जो पैन कार्ड होगा वो ना तो बैंक के लोग एक्सेप्ट करेंगे, ना तो आप कहीं पे देंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, एक दुकान जाना है जहां से आपको परमानेंट मार्कर खरीद करके ले आना है। देखिए, मार्कर दो टाइप से होता है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। जो मार्कर से टीचर लोग पढ़ाते हैं वो टेम्पररी होता है क्योंकि आप चाहो तो उसे मिटा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कोई दुकान में जाते हैं जहाँ पे LED बल्ब बेचा जाता है, तो उस दुकान में जो LED बल्ब बेचने वाला होता है वो LED बल्ब में डेट लिख करके दे देता है और अपना सिग्नेचर करता है कि भाई 1 साल या 2 साल तक इस LED बल्ब का वैलिडिटी होगा। तो वही वाला जो मार्कर होगा ना दोस्तों, उसी मार्कर को आपको मांग लेना है, या तो चाहो तो आप दुकान से खरीद करके ले आना अपने घर में, और थोड़ा सावधानी पूर्वक इस बॉक्स के अंदर आपको साइन कर देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वो परमानेंट मार्कर होता है, एक बार साइन अप कर देंगे तो वो फिर वो मिटेगा नहीं। तो सावधानी पूर्वक इस छोटे से बॉक्स के अंदर आपको साइन कर देना है इजली। उसके बाद दोस्तों ये पैन कार्ड आपका हर जगह पे वैलिडेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसका आप बैंक में यूज कर सकते हो, या फिर जिस जगह पे रिक्वायरमेंट होगा डॉक्यूमेंट के रूप में पैन कार्ड का, वहाँ पे इजली आप इसे यूज कर सकते हो। लोग इसे इजली स्वीकार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।